दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल की कुछ ऐसी निर्मम तस्वीरें आज हमारी टीम आपके सामने लाएगी। कुछ ऐसे छिन्न भिन्न दृश्य मंदिरों के हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको यह प्रमाण मिल जाएगा कि वाकई में मुगल काल कितना दुर्दांत था। तो बने रहिएगा वीडियो की, सफर की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं वृंदावन। रात को हमारी सफर की शुरुआत हो चुकी थी और अब हो चुकी है सुबह, जो हम एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं और जल्द ही वृंदावन पहुंचने वाले। हमारी पूरी टीम अपने लाव लश्कर के साथ वृंदावन पहुंचने जा रही है, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम कुछ तस्वीरें उस काल की भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ आगे आने वाली सीरीज में हम वृंदावन की होली के भी दर्शन आपको कराते रहेंगे। तो जो सब्सक्राइबर नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस जल्द ही आपके साथ पूरे वीडियो में हाजिर हो रहा हूँ। डॉक्टर विनोद देवान जी, नमस्कार।
चलते उनका बच्चे और इस पूरे वृंदावन के इस विजन पर, जहाँ तक हम प्रेम मंदिर, बाकी बिहारी और मदन मोहन मंदिर, जहाँ से ऐसा माना जाता है कि भगवान मदन मोहन अब इस मंदिर में नहीं रहते, वो यहाँ से छोड़कर वृंदावन छोड़कर जा चुके हैं, ऐसी मान्यता है कि बाकी बिहारी में आज भी बाकी बिहारी भगवान अपने सभी दर्शनार्थियों को चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये वृंदावन बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी नगर है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बहुत जल्दी सारे चीज़ों से परिचित कराएंगे। यमुना घाट से लेकर माँ लक्ष्मी मंदिर जो बेल बन में है, उसके साथ ही एक बहुत ही पुराना मंदिर राधा रानी मंदिर, वहाँ से भी हम आपको वीडियोस भेजते रहेंगे। आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा का पूरा माहौल, क्योंकि अब होली आने वाली है और इस चैनल पर आगे हम आपको यहाँ की होली, गुड़गंगा फूलों की होली, देशियों की होली, सारी तरह से इस एक महीने के पूरे ट्रिप पे हम आपको परिचित कराए रहेंगे। क्योंकि इस बार हमने ये बिल्कुल हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हम आपको ब्रज की होली से परिचित कराएंगे। और यहाँ पर अगर आप ये भी देखना चाहें कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार बताया है कि मुगलों के अटैक के समय जब मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो भारत के अस्तित्व को और यहाँ की मंदिरों को बहुत छिन्न भिन्न किया। उसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये सब गलत बात है, मैं आपको कुछ ऐसी मंदिरों से भी परिचित कराऊंगा जहाँ पर वाकई में मुगल काल में वहाँ पर एक छिन्न भिन्न किया गया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मंदिर आपको दिख रही है, हम बैठे हैं मदन मोहन मंदिर के पास, जिसको औरंगजेब टाइम पे इसके गुंबदों को छिन्न भिन्न किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम में हमारे साथ कुछ और भी हमारी टीम के सदस्य आए हुए हैं, उनमें से एक है हमारे जी लौटिया जी, और मैं चाहूँगा कि लौटिया जी का बच्चे आप लौटिया जी भी है हमारे साथ, और हम वृंदावन इस पावन धरा पर आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं वृंदावन की कुछ ऐसी झलकियाँ दिखाऊंगा जिनको आप वहीं से बैठे बैठे बिल्कुल सीधा प्रसारण महसूस कर सकते हैं, जैसे कि निधिवन प्रेम मंदिर और महालक्ष्मी का मंदिर जो बेल वन में है, उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी मंदिर का भी दर्शन हम कराएंगे। दोस्तों इस वृंदावन की कुछ ऐसी ही पावन धरा है जहाँ पर आने के बाद लोग यहीं के होके रह जाते हैं, और ये धरा भगवान कृष्ण के सारे रास लीलाओं से भरी पड़ी है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि मैं अपने मित्र से चाहूँगा कि वो जूम करके आपको दिखाए इस मंदिर को, जो मदन मोहन मंदिर है। इसकी एक खास बात ये रही है कि यहाँ पर से महाराज मदन मोहन अब यहाँ वास नहीं करते, ऐसा माना जाता है, यहाँ के भक्त कहते हैं कि अब वो यहाँ से चलकर राजस्थान जा चुके हैं करौली धाम के जगह पर। कुछ ऐसा ही बांके बिहारी मंदिर के साथ हुआ, जब बांके बिहारी भी अपने दर्शकों को या अपने भक्तों को चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक बार की घटना है जब बांके बिहारी भी इस पावन धारा को छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके भक्तों के मान मनोबल के बाद बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी स्थापित रह गए। तो वृंदावन की इन गलियों में आप बने रहेगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आगे हमारी टीम पहुंच चुकी है वृंदावन। जो आपको हम लोग यहाँ की इस निश्चय करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रकार वृंदावन और मथुरा की होली, जो कि बहुत ही फेमस है पूरे दुनिया में बरसाने की होली, जिसको लठमार होली या फिर फूल होली, बहुत सारे होली के होते हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो मैं सारे नए दर्शकों से चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस अगली सीरीज में पूरा हम आपको ब्रज की होली दिखाने वाले हैं और हमारी पूरी टीम भगवान कृष्ण के भक्ति भाव में लीन रहेगी। और पहले यमुना घाट है, ये करते रहेंगे कि भगवान कृष्ण और माँ राधे की आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें हम निधिवन
बेलबंडी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे वृंदावन में 5,500 से भी ज़्यादा मंदिरें पाई जाती हैं। तो हर एक मंदिर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे और वहाँ से जुड़ी हुई कुछ प्राचीन जीवदंती कथाएँ और कुछ पौराणिक कथाओं का संकलन, और उसके साथ साथ हर मंदिर का दर्शन हम आपको सीधे कराते रहेंगे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका मित्र वैद्य शिव कुमार भट्ट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।